भाई कहाँ थे तुम? ख्याल फिर यूके क्यों चूज करा? गोरे मिलना था ना। जुबली एक्सपेक्टेशन रखते यूके से डिपोर्ट। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस आज कुछ अपने भाई लोग मिले हैं और तो आओ भाई। हेलो, भाई का नाम है शिशिर। शिशिर कहाँ से भाई? भाई मुंबई से। आओ भाई सारे पीछे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। अनाज भाई, अब्दुल भाई, हेलो भाई, अंशुल शेट्टी उर्फ जुबली, धवल भाई उर्फ, और अपने नॉटिंघम के डॉन उर्फ जुबली रचित। तो भाई ये सारे अपने नहीं, 1 2 3 4 5 ये सारे अपने फ्रेशर्स हैं। तो भाई सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है भाई? हाय गाइस, अनस दिस साइड, और मेरा कोर्स है एमएससी। नाम अनस। हां, आ गया कोर्स एमएससी मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। शिशिर भाई, हां भाई, तो तुम तो मेरे ब्लॉग काफी टाइम से देखते हो। बहुत टाइम, बहुत हेल्पफुल है भाई, बहुत मजा आया ब्लॉग देख के, बहुत हेल्पफुल मिले रिसोर्सेज भी है, बहुत कैसा पैकिंग से लेके सब डाला है, सब बहुत हेल्पफुल है। फॉरेक्स कार्ड का वीडियो भी बहुत अच्छा था, और बहुत सारे वीडियोस है भाई। सब मेरी तारीफ नहीं करनी, ये बताओ तुम्हारा कोर्स क्या है? भाई कोर्स मेरा इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है। हाँ, मास्टर्स करने आया। मास्टर्स करने कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई। क्या एक्सपेक्टेशन है कैसे? देखते हैं भाई, सेकंड डे आज, फर्स्ट डे फिर से, तो कल रात को ही आया हूं भाई के साथ, आते रहेगी वीडियोस। अब्दुल भाई बताओ भाई। हाय गाइस, माय नेम इज अब्दुल लतीफ, और मेरा कोर्स है मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, और मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हुए। और भाई तुम रहते हो ओमान? हाँ, पर वैसे हूँ इंडियन का, इंडिया का, लेकिन रहता हूँ ओमान में। कोर्स क्या है? कोर्स है मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है। अच्छा जी, चलो भाई ऑल द बेस्ट। क्या एक्सपेक्टेशन यूके से? एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, अब देखते हैं, शुरू हुआ है, देखते हैं क्या होता है और आगे चलते चलते। चलो भाई बढ़िया, ऑल द बेस्ट। अंशुल भाई आप आइए, उर्फ जुबली। उर्फ जुबली, सो अपने जुबली भाई क्या कोर्स है भाई आपका? मेरा एमएससी मैनेजमेंट एंड ग्लोबल सप्लाई चेन। अच्छा, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो यूके से? डिपोर्ट। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये भाई 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 बहुत जल्दी डिपोर्ट होने वाला है। धवल भाई, भाई फंड्स रेज कर देना मेरे लिए। कितना चाहिए? 100 रुपए, 150। इधर कितना है? चलो भाई एक पेंस डालो सारे नीचे। हजार नहीं, मतलब एक कुछ हो गया तो बचा लो। मैं भाई का ओनली फैंस को, सॉरी, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डाल रहा हूँ नीचे। सच नहीं बोलना था। धवल भाई कौन सा कोर्स है भाई? मेरा बिजनेस एनालिटिक्स। अच्छा, और कैसे कैसे, मतलब यूके का कैसे प्लान बना? यूके का प्लान तो मैं आईटी में होती, मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, जर्मनी, यूएसए और यूके। जर्मनी में लैंग्वेज का सीन था तो वहाँ जाना नहीं था, तो इंग्लिश में 2 ही बचे थे, यूएस और यूके। और नॉटिंघम कैसा प्लान बना? नॉटिंघम का मॉड्यूल्स मुझे अच्छा लगा था, मैंने अप्लाई किया था कुछ 5-6 यूनिवर्सिटीज में, बट मेरा मॉड्यूल्स जो मुझे चाहिए था और जो जो यूनिवर्सिटी में चाहिए था उतने मेरे क्वालिफिकेशंस मैच नहीं हो रहे थे। नहीं हो रहे थे, तो यहाँ मॉड्यूल्स भी मिल गए, यूनिवर्सिटी भी मिल गई, तो यहाँ पर आ। कितना टाइम हो गया भाई सिटी में? हफ्ता दस दिन हो गया। हफ्ता हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। सो भाई अभी तो ये तो थोड़ा स्टार्टिंग होगा इन्फॉर्मेटिव, अब थोड़ी बकचोदी करेंगे। बकचोदी के लिए है ना? अरे भाई 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 क्या बोलना चाहोगे आप व्यूअर्स को भाई? आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, अभी तो कोई नहीं देख रहा है, पर मतलब जब देखेंगे बताओ। कोई नहीं देखता, कुछ एक एक शब्द दे दो, एक मुंबई का भाई, मुंबई का एक बढ़िया। अरे नहीं यार, वो इधर का है, मुंबई का अभी क्या बोल रहा है, मतलब ऑल इन ऑल। अरे रचित भाई को भूल गया, रचित भाई, अरे नहीं यार रचित भाई इधर आओ ना, अरे आओ ना आओ ना रचित भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई। तो और भाई मजा आ रहा है? हाँ मजा, एक साल हो गया भाई, मजा ही आएगा। अच्छा अच्छा, आपको एक साल हो गया ना, अब बताओ अपना क्या एक्सपीरियंस था आपका यहाँ का, कैसा रहा? ग्रेट एक्सपीरियंस। कोर्स क्या था आपका? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन। तो आपका पहले कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट था, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? नहीं, डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन। आपको शायद डायरेक्ट मिल गया, क्या बात है, डायरेक्ट क्यों नहीं मिल सकता क्या? बहुत बड़ी बात है भाई, बस आपके ब्लॉग देखते रहे एक साल तक, मजा आ रहा है। अच्छा, तो सीरियस नोट, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बच्चे आ रहे हैं, क्या आप सलाह दोगे उनको? जो टैलेंट और स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो करके आए तो आगे भी काम लग सकता है, तो जॉब में जॉब आसानी से मिल सकती है। ठीक है भाई, बाकी ये रचित भाई अपने हाउसमेट हैं, मतलब 15 से हाउसमेट बनने वाले हैं, तो भाई आपको मिलते रहेंगे हमारे ब्लॉग में, और बाकी थोड़ा हम
लेक में यहाँ पे फोटोज वोटोज लेंगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बाकी सब, ये एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच लोग आए तो इनसे इमिग्रेशन का सीन पूछ लेते हैं। भाई तुम्हारा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस क्या रहा? इमिग्रेशन ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस क्यू में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी और कोई नॉर्मल क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के और कोर्स के बारे में पूछा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और ठीक है भाई। शिशिर भाई तुम बताओ कौन सा इमिग्रेशन भाई? LHR का ना? हाँ, लंडन हीथ्रो एयरपोर्ट का। ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं, डेढ़ घंटे का खाली लाइन में था, क्यू में थे हम लोग। बेसिक क्वेश्चंस, रेट एग्रीमेंट दिखाया, कैस्ट सर्टिफिकेट दिखाया और बाकी पासपोर्ट और कितना फीस है क्या है ये सब बेसिक। अकोमोडेशन का एड्रेस, अकोमोडेशन का पूछा, रेंट एग्रीमेंट लिया मैंने, लिया चेक किया। ठीक है भाई। धवल भाई तुम्हारा क्या था? मैं लैंड हुआ था बर्मिंगम। अच्छा तुम बर्मिंगम एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था, मुझे लगे थे दो घंटे लाइन में और डॉक्यूमेंट्स का ऐसा कुछ मांगे नहीं, बस कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहने वाले हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में। अब्दुल भाई आप ओमान से आए थे? हाँ ओमान से आया था, बर्मिंगम एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था। तो क्या इमिग्रेशन मतलब हार्ट था या ठीक था? नहीं कुछ भी नहीं हुआ मेरा तो, एकदम स्मूथ में निकला, तकरीबन लाइन में भी लाइन भी नहीं थी और बस गया और इमिग्रेशन वाले ने पूछा क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन सा कोर्स है, जवाब दिया और बस क्लियर हो गया। क्लियर ज्यादा नहीं था मतलब। तो गाइस जो भी लोग इमिग्रेशन के लिए मतलब सरदर्दी पालते हैं तो ये आपके सामने एग्जांपल है। जुबली भाई से पूछेंगे आप। जुबली भाई बताओ। नहीं भाई इमिग्रेशन तो अपना स्मूथ था, दो मिनट में हो गया। हाँ दो मिनट में? या मैन, कितने घंटे की लाइन थी? लाइन भी घटनी थी? लाइन कुछ नहीं, हम लोग लाइक जैसे ही लैंड किया ना तो लोग आगे पूछा कि स्टूडेंट्स क्या मुंबई से, हम लोग जैसे सारे मुंबई से आएगा को पूछा कि स्टूडेंट है कि नहीं, ज्यादा टाइम लगा तू मुंबई का बता, हीथ्रो वाला नहीं बता रहे भाई, हीथ्रो वाला ही बता रहा हूं। मुंबई में टाइम लगा? मुंबई में कुछ नहीं हुआ, मुंबई में तो कुछ नहीं भाई, सब इजी गोइंग था। अच्छा मुंबई में तो भाई मराठी में बात किया मेरे से इमिग्रेशन पे, मां कसम मुंबई में मेरा पासपोर्ट 6 बार मांगा। अरे मैं ना इससे ही बचने टिक्का डाला था, निकल गया अरे पसीने में, तो बहुत इशू आ गया बाद में। तो मतलब इमिग्रेशन में ज्यादा नहीं पूछा ना? हाँ कुछ नहीं था, खाली पूछा कोर्स कौन सा है, किधर जा रहा है और स्टे का पूछा कि क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट है कि एग्रीमेंट। अच्छा आप तीनों आए मुंबई से? हाँ। भाई ओमान से आए। अनास भाई आप दिल्ली से आए ना? हाँ जी। दिल्ली में इमिग्रेशन का क्या सीन था? दिल्ली में भी कुछ नहीं, इजी था। बोला बच्चे को कौन क्या पूछेगा, वो भी है भाई एकदम शरीफ शरीफ से अपने भाई। तो गाइज यही था इमिग्रेशन का, भी कुछ ज्यादा सीन हुआ नहीं लोगों के साथ। मैं आपको वैसे भी बोलता हूँ कि इमिग्रेशन का इतना कुछ सीन होता नहीं है, बाकी भाई लोग अपने अपने नए नए आए अभी और काफी मतलब बढ़िया माहौल बना, अभी मैकडोनल्ड्स वगैरह गए थे और थोड़ा हमने खाया पिया। भाई कहाँ थे तुम? क्या हाल फैजान भाई? सब बढ़िया। अभी मैंने इन लोगों के साथ वीडियो बनाया, इन लोगों के साथ हो गया तुम्हारी। सिर्फ पढ़ लिए बहुत बड़ी बात ही है, उसके बाद जॉब वगैरह देखेंगे और मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो वापस इंडिया, नहीं तो गल्फ में वापस चले जाएंगे। गल्फ? हाँ। अच्छा चलो भाई बढ़िया है, हम प्रे करेंगे भाई तुम्हें सारे तुम सपने सपने पूरे हो तुम्हारे सारे, जल्दी जी वैगन दिलाओ तुम हमें। नहीं रुक रही ना बक्सोदी भाई की दाढ़ी। मैं बाकी के अपने पीछे जो छूट गए तो लोग मिले। हाँ वो अभी बताता हूँ। ध्रुवी, मुर्गजा और सिमरन। तो अभी तुम कहाँ गए थे? भगा दिया? क्यों? क्योंकि स्टोर बंद हो रही थी, भगाया नहीं, ऐसे कोई भगा नहीं सकता भाई हमारे लोगों को, ठीक है। क्या कोर्स है आपका? मेरा ग्लोबल सप्लाई चेन। अच्छा यूके क्यों चूज करा? गोरे मुझेगा बताओ ना क्यों चूज करा? मुझसे मिलना था, ये अच्छा था। क्या बोला? गलती से आ गए। गलती से आ गए भाई, गलतियाँ होती रहती है लाइफ में और क्या कर सकते। मुझे अपने घर जाना है, मुझे वापिस। अभी तो आयो, दो दिन तो हुए तुम्हें आए हुए। तुम्हारा क्या कोर्स है? साइकोलॉजी। एक बच्चा है हमारे पास। तो क्या हुआ? फूल मत तोड़ना यहाँ पे। तोड़ा कैमरे में आ गए तुम। क्या एक्सपेक्टेशन है
क्या एक्सपेक्ट करते हो मतलब यूके में आके क्या होगा जो इंडिया में नहीं था ऐसा? ऐसा खड़ी कैसे देखो ऐसे खड़ी है ऐसे मुझे एक्सपीरियंस मुझे मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस है मेरा यूके के साथ अपने घर जाना है बस सही में घर जाना है भाई। अच्छा सिमरन जी आपका कोर्स यार मैं क्या कर रहा हूं ऐसे ही सॉरी। अच्छा धीरे धीरे सिमरन जी आपका कोर्स का नाम क्या है? अप्लाइड साइंस साइकोलॉजी। और क्या एक्सपेक्टेशन आप यू करने के? बेटर एक्सपोजर इंटरनेशनल एक्सपोजर दैट्स इट। थोड़ा मैंने कैमरा हाँ कैमरे को लेकर साइलेंस क्यों है इतनी प्यारी शक्ल है गाइस देखो एक तो पीछे हल्ला मचा रखा है। अरे इधर 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 जुबली कहाँ डिपोर्ट हो गए क्या? डिपोर्ट हो रहा है जा रहे लेके जा रहे गाइस ये डिपोर्ट हो चुका है लेकर जा रहे थॉमस हाय सो गाइस वी आर हैविंग पार्टी और थॉमस क्या भाई क्या हुआ क्या हाल है? सो गाइस यही सीन था भाई इस व्लॉग का और मैं रात को सो गया था मतलब पार्टी वार्टी करके हम सो गए थे सारे मैं उन्हीं के घर सो गया था भाई रात को इतना मतलब क्या बोले मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी घर आने की तो मैं उन्हीं के वहीं सो गया था दोस्तों क्या तो ये लोग रहते हैं जहाँ पे तो एक तरह से मतलब पिछले साल हम वहीं पे वाइब्स करते थे चिल वगैरह करते थे तो मेरी वो फेवरेट जगह है जहाँ पे ये सब लोग रहते तो वहाँ पे हमने कल हाउस पार्टी करी मज़े करे डांस करा बहुत सारी चीज़ें करी सब कुछ वीडियो में नहीं डाल सकते और पार्टी करी तगड़ी रात को डांस वांस करा तो मैं तो भाई बहुत थक गया था तो सो गया उसके बाद सुबह उठ के घर आया और अभी जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा और मैंने सोचा कि व्लॉग को ख़त्म करता हूँ मतलब थोड़ा लास्ट का पार्ट और आज जिम भी नहीं जा पाया मैं इसी चक्कर में तो मैंने सोचा कि अभी मैं जाऊँगा मां सिटी मतलब थोड़ा नहाऊँगा और फिर उसके बाद सिटी जाके देखता हूँ अगर मन करा तो योगा कर लूँगा थोड़ा आज क्योंकि जान नहीं है भाई शरीर में बिल्कुल भी और कल परसों मुझे शिफ्ट करना है और भाई जितने भी लोग मिले ना भाई ये जितने भी लोग मिले बहुत 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 बढ़िया लोग हैं मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे वीडियो में आए थे बट जनरली मतलब ये सब एक तो मेरे से बड़े हैं उम्र में बहुत मैच्योर हैं और मैं ही इन सब के बीच में खेलता कूदता उछलता रहता हूँ और कुछ सब्सक्राइबर्स थे पर वो जो सब्सक्राइबर्स थे वो मेरे साथ बहुत पहले से टच में थे तो वो अब हम दोस्त हैं मतलब सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं अब हम ज़्यादातर हमारी दोस्ती ज़्यादा है मतलब ऐसे सब्सक्राइबर नहीं मिला उनसे वो दोस्ती थे मेरे पर वो मिले मुझे यूट्यूब से थे कुछ लोग थे जो सब्सक्राइबर के साथ थे तो वो मेरे फिर दोस्त बन गए बाकी यही सीन है और बाकी उनमें से कुछ लोग हैं जो हम हाउसमेट बनने वाले मतलब साथ मकान ले रहे हैं तो यही सीन है भाई बाकी बहुत मज़ा आया और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा और यही सीन है देखो मैंने उनसे इमिग्रेशन का पूछा और उनका थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन पूछी कि क्या एक्सपेक्ट करते हो यूके से और अपना क्या सीन है ना भाई मैं ज़्यादा ग्रुप में व्लॉगिंग करता नहीं हूँ मुझे ऐसे वीडियोज़ बनाने की आदत थी नहीं तो मैं थोड़ा मतलब नर्वस था उन सबके सामने झूठ नहीं बोलूँगा और यही सीन था बाकी कुछ भी सजेशन देना हो अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कि मैं वीडियोस कैसे बेटर कर सकूँ कुछ टॉपिक्स देने हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं बाकी आज के व्लॉग में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट बाय बाय।